दोस्तों मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है शाम से ही, इसलिए संभावना बाम लगा रही है। इतनी डिटेल सबको देने की जरूरत क्या है तुम्हें? भाई मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ ना कि मेरी वाइफ मेरा कितना ख्याल रखती है। नहीं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिसने गाली देनी है वो तब भी देगा, तुम ही तो नहीं अलग आईडी बना के गालियां दे रहे हो मुझे। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। अरे हाय गाइस वेलकम, एक सेकंड, खिड़की अटक गई थी। तो रात के ऑलरेडी बज रहे हैं 9:30, अब जाके ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास होने वाला है। पूछो क्या पूछो, अभी बोलूंगी नहीं तो क्या क्या करूंगी? कुछ भी नहीं हो रहा खास, वही सेम ओल्ड, वही बस्तर बिछाएंगे वही सो जाएंगे। खाना मैंने नहीं खाया है क्योंकि मुझे खाना खाना नहीं था, मैंने स्किप कर दिया खाना, मैंने सीधा 2 बिस्किट चाय ली है और अपनी दवाई खाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो बाहर का नजारा है वो ये रहा। बहुत अच्छा लगता है, लाइट्स वाइट। इस समय तो काफी कपड़े वपड़े भी सूख रहे हैं यहाँ पे, बट वो नहीं दिखाऊंगी आपको। मैं जाती हूँ सीधा आपको अविनाश से मिलाती हूँ, उसने भी खाना स्किप कर दिया है। बेबी हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मेरी बेबी बोल ही चुकी होगी लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं भी तो हूँ ना ब्लॉग में। तो ये पी रहा है चाय और अविनाश ने क्या खाया है? मैंने खाया है सिर्फ ऑमलेट और ब्रेड, और रात के बज रहे हैं 9:30 और हम पी रहे हैं चाय। तो क्योंकि आजकल हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया है, हम शाम को ब्लॉग शूट करते हैं, सुबह में एडिट करता हूँ और रात को डालते हैं, तो इसलिए अब रात को ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और ये रात को 11 बजे 12 बजे मुझसे कॉफी बनवाता है, वो वाली नहीं जो मैं पीती, वो क्या डालगोना कॉफी बनवा लेता है मुझसे। तो पहले मजाक बना रहा था, जब मैंने बना के पिला दी तो बड़ा मजे ले, रोज बनवा रहा है मुझसे रोज। अरे ये दुनिया जिसको डालगोना कॉफी करके इतना ओवर हाइप कर रही है, ये दिल्ली में शादियों में कॉफी मशीन में मिलती है। हाँ वही तो है ये, और क्या है। रात को चुप चुप 1 बजे जो आप कॉफी पीते हो ना ठंड में, हाँ दिल्ली में ना बारात में, हाँ, वो कॉफी है डालगोना इतना कर दिया। सो बेसिकली मैं वो वाली कॉफी इसलिए नहीं पीती हूँ, 1 आई डोंट लाइक मिल्क एंड 2 आई डोंट टेक शुगर। तो मेरे को पता नहीं उस कॉफी का क्या टेस्ट है, और मैं इसको देती हूँ तो इसको बहुत मजा आता है वो पी के। ये मेरी छोटी बेबी छे, आप मिल लो, ये इतना आज खेला है, ये लड़का इतना खेला है आज। अरे याद आ गया मुझे दवाई भी खिलानी है, पकड़ो उसको। आज मेरा कोको आज कैमरा देख के लड़ेगा नहीं मम्मी से, आओ। आज ये बेबी इतना खेला है ना कि क्या बताऊं है, कूद कूद को खेल खेला है। लॉकडाउन में जवान नहीं हो रहा है कुछ ज्यादा? मेरा राजकुमार, वो देखो राजकुमारी भी नीचे बैठी है, देखो। हाँ जी चेरू मास्टर, चेरू मामा बॉल लेके बैठी है क्या बेबी? ये रही साइड में दबाई हुई बॉल। चेरू खेलेगा मम्मी, खेलेगा मम्मा के साथ आज। चेरू गो, बॉल से तो कितना भी खिला लो इसको भाई, आई कितने आराम से है, टाइम लेके अपना। इधर आ तू, इधर आ, चेरू चेरू गो। अभी भी लेकिन अब बारिशों में इसके बाल काटने पड़ेंगे मेरे को। कितनी अच्छी लग रही है यार ये, अभी ऊपर अपनी जगह चुप चढ़ बैठ जाएगी। देखो ये देखो बैठ गई। तुम इसका मतलब समझती हो? मतलब इसको ऐसा लगता है मैं थक गई हूँ, मैं बचू कैसे? नहीं बचू कैसे नहीं, लेकिन अभी वो लग रहा है नीचे बहुत दौड़ भाग के आई है। हाँ। इसलिए वो थोड़ा आराम चाहती है। वो क्यों इतना चढ़ी हुई है? वो पैदा ही चढ़ने के लिए हुई है, वो मंथरा के लक्षण है उसमें। तुम कर सुनो इसकी आवाज में, हेलो हेलो दोस्तों, बोलिए बोलिए। चलो बिस्तर बिछा ले, चाय पहले चाय खत्म करो, पहले चाय पी लूं। आज खेलेंगे हम लूडो। ये कैसा लूडो है भाई? लूडो सांप सीढ़ी। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं फटाफट पहले बना लूंगी हमारा काढ़ा। और मुझे क्यों लोग पूछ रहे हैं कि काढ़ा बनाना सिखाओ? काढ़ा तो आप लोगों को आता है, आप लोगों से तो मैंने सीखा है, आप मुझे बता रहे हो, मतलब मुझसे पूछ रहे हो। ये डाल रही हूँ मैं लौंग, अच्छी तरह से देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। लौंग, थोड़ा सा सौंफ, ये गई थोड़ी सी काली मिर्च, डालेंगे इसमें हम लोग दालचीनी, अब डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें लेमन ग्रास, ये रहा लेमन ग्रास, पुदीना, थोड़ा सा अदरक पीस लेंगे, पानी डाल के अदरक। चांस की बात है कि मुझे शहद मिल गया, तो अभी 1 चम्मच इसमें जब ये बन जाएगा ना तो शहद डालूंगी। अब इसको मैं उबाला आते ही स्लो करके ढक्कन लगा दूंगी। हटो चेरी, हटो हटो कुत्ते बिल्ली मेंढक चूहे सब हट जाओ। हाय बीबी, सिर्फ काढ़ा बनाने गई हूँ, पसीने पसीने हो गई मैं, ये बंद करके एसी चला दे। नहीं हवा तो आ रही है। मेरी हवा आ रही है, मेरे को नहीं आ रही, एसी चला देते ना तो 10:45 हो गए, लाइट्स तो जल ही रही है ना, माय फेवरेट। यहाँ का भी एसी ऑन कर दूँ थोड़ी देर?
कर दो क्या है रोज वाटर एक मिनट कहोगे मेरे ख्याल नहीं रखती अच्छा लगा ठंडा ठंडा खुद तो 36 चीजें लगाती हूँ मुझे मैंने जैसे 36 चीजें कौन सी लगाई हैं मुझे स्किन ट्रीटमेंट के नाम पे रोज वाटर छिड़क के चली जाती हूँ मुंह पे मैंने अपनी दवाई तो खाई नहीं वो भी डाल देता हूँ नेजल ड्रॉप अरे बनानी काढ़ा अभी तक अभी उबलने पे आ रहा है आज से मैं इसमें शहद भी डालूंगी ओ मैंने देखा शहद का डब्बा अभी अभी देखा मतलब जब खरीदा था तब नहीं पता था नहीं मुझे नहीं याद कब खरीदा तो, और बहुत जरूरी शहद से तो बहुत अच्छा होता है अभी तो अभी एक एक चम्मच जब बन जाएगा ना काढ़ा एक बार बन जाएगा ना तो इसमें एक एक चम्मच शहद ऐड करेंगे अच्छा शहद बाद में जाएगा उबालना थोड़ी है शहद को इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि जितनी बार मैं रात को ब्लॉग्स बनाती हूँ ना मुझे बड़ा मजा आता है कुछ दिन रात के ब्लॉग्स बनाए क्या अरे देखा अभी उड़ जाता है आपको दिन वाले ब्लॉग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं या ये रात वाले आई वॉन्ट टू नो बेबी क्या चक्कर है घर में भी कुत्ते बाहर भी कुत्ते कपड़ों पे भी कुत्ते इतने सारे कुत्ते अब तो सब आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग खुल गई है ना नहीं 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 खुली है बेबी मेरे को ऐसा लगता है नहीं ऑनलाइन शॉपिंग खुली है तो मेरे को नाइट शूज मंगाने पता है मेरे कितने सारे नाइट शूज ऐसे हैं जिसके पजामे तो हैं मेरे पास लेकिन जो ऊपर के है ना वो मैंने ऑल्टर करने दिए थे उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो दर्जी की बीबी पहन के सो रही होगी आई विल नॉट टेक इट देन उसने उसके साइज को ऑल्टर कर दिया होगा बेबी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बेबी पसीना मत गिरा देना उसमें पसीना कहाँ से गिरेगा उसके ऊपर थोड़ी हूँ मैं तभी मैं कल कहूँ काढ़ा नमकीन क्यों लग रहा था बेकार की झूठी बातें करते हो नाम खराब कर रहे हो मेरा तो बेबी मैंने स्टीम भी नहीं लिया आ? पसीना तो आई गया ना टॉक्सिन तो निकल ही गए नहीं मैं वॉक भी कर रही हूँ ना इसको ढक दूंगी थोड़ी देर ये कहाँ है प्लेटें वेयर आर दीस प्लेट्स गॉन प्लेट क्यों चाहिए काढ़ा सर्व करने के लिए प्लेट में कैसे आएगा काढ़ा अरे बाबा ढकने के लिए इसको अरे अरे ये हमेशा ही क्यों निकल जाता है यार रोज तो मेन काढ़ा तो गिरी जाता है तो क्या पिए हम फिर तुम ना फालतू मत बोलो एक तो मैं करती हूँ ऊपर से ऐसा बोलते हो मुझे थोड़ा सा ही निकला है अरे गैस भी बंद हो गई जब तक काढ़ा बंद नहीं जाता तब तक यहीं खड़े होना पड़ता ये देख लो इनको घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया बेटा तुम्हारा बिस्तर अपना है इनका गद्दा भी बिछा हुआ है उसके ऊपर कंबल भी इनका है और फ्रेश कंबल धुला हुआ है लेकिन ये देखो और वो देखो गर्मी कितनी है बेबी दोस्तों मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है शाम से ही इसलिए संभावना बाम लगा रही है इतना बताने की जरूरत नहीं दिख रहा है इतनी डिटेल सबको देने की जरूरत क्या तुम्हें बेबी मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ ना कि मेरी वाइफ मेरे कितना ख्याल रखती है नहीं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ठीक है जिसने गाली देनी है वो तब भी देगा तुम्हें तो नहीं अलग आईडी बना के गालियां दे रहे हो मुझे मैंने अलग 15-20 आईडी बनाई हुई है जिससे मैं तुम्हें गाली देता हूँ जब मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती है ना ब्लॉग में तो मैं दूसरे आईडी से गाली देता हूँ ओहो इतना ज्यादा नमक अनसब्सक्राइब अपने पति से ऐसे बात करती है बदतमीज औरत अनसब्सक्राइब अच्छा लगा बहुत बढ़िया अभी जो एसी की ठंड है ना वो बंद कर देती ना फैन बंद कर तो ये बैंड ना लगाऊं फिर अभी नहीं बेबी बैंड नहीं लगाना चाहिए ना बैंड से तो वो दे दो ना बेबी मेरा हेयर बैंड तो ताकि गर्म रहेगा थोड़ा सा मूवी देखनी कोई नहीं लूडो खेलेंगे ना ये यहाँ से वहाँ कैसे चली गई जैसी मैं आई हूँ ना फोन चेक करने फटक से आ गई है क्या रही चकुंदरी क्या है मैं फोन नहीं देख सकती नहीं नहीं वो आई है तुमसे मसाज करवाने वहाँ पे पता है कि नहीं मसाज चाहिए थोड़ा अच्छा मसाज चाहिए मैं कोको को प्यार करूंगी मैं आपको नहीं करूंगी दफा हो जाओ यहाँ से आ जाओ मेरा बाबा छोटा घोड़े की तरह भागता है ये आजकल पता नहीं क्या हो गया इसको मेरा एनर्जेटिक बच्चा वो क्यों देख रही है भाई क्या हुआ आपको भी प्यार मिलेगा आ जाओ आ इधर उसको प्यार नहीं चाहिए ना उसको खेल खेलना है 24 घंटे अब मैं यही करती रहूं सुबह उठ के इनके गेंदे फेंकती रहती हूं इनकी मेरे को कोई बताएगा कि ये तकिए किसके हैं एक तुम्हारा था और एक मेरा था तो तुमने खुद ही बोल दिया ना था तकिए पे तो मत छो अरे काट रहा है मेरे को बेबी कह रहा हटा क्यों रही हूं मुझे खेली खेली कर रहा है मम्मा छे इसका खेल बहुत खतरनाक है भैया ये खेल रहा है भाई तुम्हें समझ रहे हो आप ये खेल रहा है इच्छा में दिख रहा है मेरी उंगली कहाँ है ये रही काटते टाइम इसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है ये इसको बराबर पता होगा क्या है इधर दूसरी भी तैयार हो रही है दांत दिखा रही है वो दांत दिखा रही है मैं मारूंगी इधर को दांत नहीं दिखाना उसको अरे कितना कड़ेगा ये कड़कड़ के सड़े ना जाए जी हमारा काढ़ा तैयार हो गया चलो जी ये रहा अविनाश का मेरा आज मजा आने वाला है काढ़े में लग रहा है हानी 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 ये गाना याद है तुम्हें आपके पास हानी है ना तो काढ़े में डाल लो अच्छा रहेगा चलो ले आओ फिर काढ़ा पीते पीते करेंगे घर पे वीडियो कॉल लाइट बंद करो अब ये भी चढ़ गई है ऊपर तो वो उतरा तो ये चढ़ गई यही काम है इनका वो उधर गया ये आ गई उसको रिप्लेस करने चलो जी और इसी के साथ आ गई है हमारी लूडो चलो पहले काढ़ा पी चीयर्स बेबी तुम्हें अच्छा नहीं लगा
शायद मीठा लगता है। इसमें दो पैरेलल टेस्ट आ रहे हैं, तो कौड़ा और मीठा दोनों होगा। कौड़ा क्या है? कौड़ा मतलब कड़वा। ये कौड़ा का पंजाबी लैंग्वेज है। हाँ, कौड़ा और मिठे दा मिक्सचर है। कौड़ा और मिठे दा मिक्सचर है। कर लो तुसी दुनिया मुठ्ठी घर च पौन। क्या कर लो तुसी घर च पौन? ये नहीं कैसे कर लो तुसी घर च पौन। कर लो तुसी घर च पौन। मैं दूसरी लैंग्वेज बोल दी क्या कोई? हाँ, पता नहीं कौन सी बोली जा रहा। कीनिया का लग रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं कहाँ के लग रहे हो, यहाँ के तो नहीं लग रहे। लेकिन तो दोस्तों रात के बज गए 11:15। मैंने घर पे वीडियो कॉल करा है कम से कम 1 घंटे का। मैं रोज घर पे वीडियो कॉल करता हूँ 1 घंटे का, संभावना भी घर पे करती है इस लॉकडाउन में। और अब हम दोनों की वीडियो कॉल हो चुकी है और अब हम लोग खेलने जा रहे हैं लूडो। सांप सीढ़ी भी खेलेंगे। कौन से लोगे तुम? मैं येलो। मैं येलो मेरा है। बस शुरू में ही कर दिया ना गेम तुमने, शुरू में ही। येलो मेरे को अच्छा लगता है। यू टेक ब्लू। मैंने बचपन से आज तक येलो खेला हूँ, किसी और कलर से नहीं खेला। मैं भी नहीं खेलूंगी, यही खत्म हो गई गेम। मैं नहीं मानती। चलो ना मिल बांट के खेलना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी ऐसी हो, तुम बचपन में कैसी रही होगी। ये हो गई मेरी येलो। वो खाने जा रही तुम्हारी गोली। और तुम्हारी हो गई येलो नीली। लगाओ। मेरा कलर भी तुम ही डिसाइड करोगी। और सुनो मेरी बात, एक पे खुलेगी और 6 पे खुलेगी। हाँ। 6 की बारी आएगी, 1 की बारी नहीं आएगी। यही है ना? हाँ। मतलब फिर बाद में तुम बोलोगे कि तुम चीटिंग करती हो। हाँ, और 3-6 मतलब गया गुल। उसकी बारी भी नहीं हो। हाँ, लेकिन पहली बारी तुम कैसे चल रही हो बिना जाने सुने? मैं औरत हूँ ना, तो इसी पे चलना है या इस पे चलना है? नहीं, उस पे तो दूर है ना, तुम मेरे को पागल बना दोगी। इसी पे चलते हैं। चलो ये गया, चलो 2-6। अरे इतना वर्ड मार रही हो। पहली बार में 6 नहीं आ सकता बेबी। क्यों? आया है ना, लेकिन तुम्हारे सामने आया है। पहली चाल है ये। पहला चाल तो मानते ही नहीं है। पहली चाल माननी नहीं चाहिए। मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। 6-5 तो ये 6 से खुली और 1-2-3-4-5। अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। यही बता रही तो मेरे तक आओ तुम। यहाँ पे कटेगा तुम्हारा। मेरा कटेगा या मेरी गोटी कटेगी? तुम्हारा कटेगा। चलो 5। चलो ना, इतना टाइम। ये बाहर निकल गया ना उससे? नहीं 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 बेबी, ये बाहर निकला ना, बाहर निकलने को। तो ये तो यार ये करोगी तो पहले बता दो, ठीक तो है? बाहर निकलने को मानना है क्या? हाँ मानना है। ठीक है, फिर बाहर निकलने को मानना है तो फिर वैसे मानते हैं। बेबी मैं मार दूंगा, दे दो वापस। शिट यार, ये तो अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी से सब शुरू हो गया, मैं कैसे खेलूंगा आगे? आराम से चल, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर उसे एक बार पता चल जाए ना कि माँ कितनी बड़ी चीटिंग खोर है, तो अभी गोदी से उतर जाए वो। कह लो कि मम्मा चीटिंग करती। अरे मैं आके नहीं रहा है। बस यही होता है चीटरों के साथ, उनकी गोटी खुलती नहीं है। एक मिनट, मैंने देखा नहीं था, दोबारा देखा। देखा नहीं था, इतनी बड़ी गोटी नहीं दिख रही है। और ये कटी पहली गीटी। और आएगा मेरा 3।